नमस्कार मैं हूँ राजेश कुमार और इन लोगों ने मुझे बुलाया <laughs> ये परफेक्ट ये पर्फेक्ट स्टार्ट है। मेरा मेरे मेरे मतलब मेरा क्या इंट्रोडक्शन देंगे इस चक्कर में ये लोग आपस में खुसुर खुसुर कर रहे थे तो इसलिए हम बोले कि क्या परिचय दोगे तो <laughs> मैंने सारा भाई वसेत सारा भाई में रोशेश का किरदार किया था उसके बाद काफ़ी पॉपुलर हुए ये उसके बाद इन्होंने खेती की और आजकल फिर वापस एक्टिंग भी कर रहे हैं और ये बिहार से हैं गया से हैं दिखने में नहीं लगते हैं आ, और दिल्ली के हिंदू कॉलेज में इनकी शिक्षा हुई है देहरादून में इनकी स्कूलिंग हुई है और आज ये हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हमारे जो दोनों मित्र हैं ये सवाल पूछेंगे तो आइए चलिए मिलकर के आज की शाम हम लोग एक अच्छे से पॉडकास्ट के नाम करते तो हैं, वक्त हैं

फिर अभी आप बोलते बोलते एक बात बोले कि बिहारी लगते नहीं है ये बिहारी <laughs> लोग लगता कैसा है क्योंकि हम बताते हैं सर कि जब हम भी सर बिहार के शहर के रहने वाले हम जब बाहर निकले तो हमको भी बहुत सुनने को ऐसा मिलता है यार तुम तो बिहार से बिहारी लगते नहीं हो बिहारी लोग लगता कैसा है सर क्या मतलब उसका क्यों ये सवाल कहाँ से आता है देखो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम लोगों को जो प्रोजेक्ट किया गया है ना जो जो भी हमसे पहले निकले हुए लोग हैं या जो बिहार के खास करके बिहार के जो लोग हैं वे देव प्रोजेक्टेड मेड फन ऑफसेज नौकरी बहुत हुई है हम लोगों की hmm. चाहे एक, एक पंद्रह साल जो खास करके जिस समय मीडिया आ, बन रहा था उसी समय लालू प्रसाद hmm. जी का रेजिम चल रहा चल था सो समवेयर दैट बिकेम अ पार्ट ऑफ फन यू नो बिकॉज वो भले सीरियस काम कर रहे हो लेकिन बट द वे यूज टू स्पीक उनकी मिमिक्री हो जाती थी आ, या जिस तरह वो से वो करते थे उनको लगा की अगर कोई बिहारी है तो ऐसा ही है तुम अगर 60s की फिल्में में देख लो 70s की देख लो 80s की देख लो जिक्र hmm. ही नहीं है कि बिहार से है hmm. राइट right. कहीं तुमको बिहार के कैरेक्टर्स कर, नहीं, नहीं मिलेंगे नहीं, नहीं। ये कहानी शुरू हुई है तुम्हारी 90s से जब ये सारा यू नो दैट्स हाउ दे परसीव्ड बिहार और गलत तरीके से किया गया ना कि जैसे बिहारी बोलते का हुई गबा कारे लल्ला हाँ, ऐसे कोई भी बिहारी बात नहीं, नहीं करता है इतनी मतलब इतना वाहियात तरीके से उसको बोला जाता है खास करके हमारी इंडस्ट्री में भी जो बिहारी बोलते हैं मैंने तो तीन चार शोज देखे हैं यार मतलब आई वॉन्ट नेम देम ऑब्वियसली बिकॉज कल हो सकता है उनके साथ काम करना पड़ेगा बट बट आप नॉन बिहारी को लेकर के बिहारी सीरीज क्यों बना रहे हो यार right. या आप अगर ठीक है वो कॉन्वेंट का ही पढ़ा है एजुकेटेड right. ही है वो थोड़ा लहजा आ जाएगा लेकिन आप एकदम नॉन बिहारी को उठा करके उससे जब बुलवाते हैं ना खास करके जो मेन लीड्स होते हैं आई आई फील वेरी दिस थिंग कि या तो आप बहुत अच्छे से करवाइए आप सिर्फ उसको सतही तौर पे मत रखिए कि हम ऐसे बोल रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम मैं से हम कर देने में आप बिहारी नहीं हो जाएंगे एक्चुअली सर वही जो कास्टिंग तो एक पॉइंट है ही दूसरी पॉइंट शत्रुघ्न सिन्हा का मुझे याद आता है एक बड़ा अच्छा लाइन बोले थे किसी को वो बहुत मिमिक्री कर रहे थे शत्रु जी का कि भाई हम आ चुके हैं हमारा मेकअप हो चुका है हमारा शॉट ले लीजिए हाँ। तो एक आदमी ने मिमिक्री की तो ये पलटे और बोले कि बेटा मैं क्यों औकात रखते नहीं हूँ अपने आप को हम बुलाते हो तो <laughs> <क्या वाँगा। laughs> नहीं सर वो जो आप बोल रहे हो एक तो कास्टिंग है ही दूसरा मुझे लगता है कि रिसर्च भी प्रॉपर नहीं किया जाता है जैसे बिहार के कैरेक्टर्स को बनाया जाता है किसी सीरीज में तो मतलब वहाँ जाके लोग प्रॉपर रिसर्च नहीं करते जो ऊपरी सतह से लोगों को पता है वही यूज़ कर लिया जाता है और हम लोग देखते हैं तो लगता है कि यार ऐसे तो बात नहीं होती है बिहार में कि आप क्यों कर रहे हो कहाँ से रिसर्च किया आपने क्यों किया रिसर्च कमी दिख जाती है पहले सर्च तो करो फिर रिसर्च करोगे सर्च सर्च तो तो करो करो मेरे को लगता है अभी ना सर ये चलन चल गया है कि जो भी कहानी है हमको तो लगता है कि अभी 70 परसेंट जो भी बन रहा है टीवी में बन रहा है या फिल्म में बन रहा है वो यूपी और बिहार बेस्ड ही रहता है इसका रीज़न हमको क्या लगता है करेक्ट मीफ एम रॉन्ग सर कि जो नब्बे के दशक की बात हो रही है नब्बे के दशक में बहुत सारी चीज़ों की माइग्रेशन हुआ बेरोजगारी थी अभी भी बेरोजगारी अभी भी सब बिहारी बाहर जा ही रहे हैं काम करने के लिए पता नहीं आबादी क्यों बढ़ हाँ रही है नहीं, में बट, है। बट उस समय जो मजदूर वर्ग के लोग थे ना वो बाहर ज्यादा गए तो जब मजदूर वर्ग के लोग बाहर जाते हैं और फिर जो वो जिस तरह से रहते हैं या वो जिस तरह से बातचीत करते हैं वो जिस तरह का गाना सुनते हैं या वो जिस तरह से मा, मा, खुद को रिप्रेजेंट करते हैं तो बाकियों को लगने लगा कि अच्छा बिहार को यही लोग रिप्रेजेंट करते हैं राइट बट फिर पढ़े लिखे जनता फिर जब इंजीनियर जाने लगे डॉक्टर जाने लगे और फिर वही चीज़ जो आप बताते हो ना कि बिहार से हैं लेकिन बताए ही नहीं लोगों को कि हम बिहार से हैं हुँ। अपनी आइडेंटिटी छुपाते रहेंगे तो एक ये भी आपको लगता है सर ये मेन रीज़न है कि हम लोग बिहारी हो के भी हम लोग खुद की आइडेंटिटी को छुपाते हैं यार, आई डोंट थिंक कि पहले तो डेफिनेटली था ये हुँ. पहले ये डेफिनेटली था अब 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 मुझे नहीं लगता अब, है कि वी हैव ओवर ग्रोन बिकॉज हम भी सोशल मीडिया से भले बाहर हैं या हम कहीं भी हैं सोशल मीडिया की वजह से आई थिंक कि आजकल थोड़ा एक्सपोजर बढ़ा है इसलिए अब कहीं कोई हिचकिचाने जैसी चीज नहीं है वी हैव एक्सेप्टेड फ्यू थिंग्स अबाउट आर सेल्फ कि हमसे बुद्धिमान कोई है नहीं hmm. ठीक है हम मम से आदा सिविल सर्वेंट कोई पैदा कोई करता है, है, है नहीं वी आर शार्प पीपल बट इन बिहार आई डोंट नो समथिंग हैपेंस टू अस कि मतलब आप सडनली बोथरा जाते हैं <laughs> आ जाते हैं <laughs> <समझ नहीं। laughs> कितना दिन के बाद हम सुने <laughs> भोथर <भोत्रा आ जाना। laughs> हो जाते हैं <laughs> कि मतलब आप वहां पे वहां रह करके आप यू नो इफ यू कैन कलेक्टिवली थिंक ऑफ दैट मुझे कई बार लगता है ना ऑनेस्टली कि पॉलिटिकल विलिंगनेस नहीं, नहीं है, नहीं है जिसकी वजह से उसका उसका खामियाजा हम लोगों को बाहर भुगतना पड़ता है राइट हाँ। बिकॉज देर इज नथिंग वी आर व्हाई वी आई एम सेइंग बिकॉज देर इज नथिंग विच इज हैपनिंग इन बिहार विच कैन मेक यू फील प्राउड अबाउट इन द सेंस कि आपने देखा बिहार में जाकर के आई के पांच मैच हुए हैं आपने देखा कि आप आप स्टेडियम बना है आपने देखा कि ऐसा जो स्टेडियम था उसको भी नहीं आप मेंटेन आप कर सके आप पटना वाला मोनोलॉक स्टेडियम खत्म हो गया आपने क्या देखा वहाँ पे क्या हुआ है मतलब सड़कें अगर बनी हैं मुझे अपने गांव का 500 मीटर का सड़क बनवाने में आज तक नहीं बना यार लेकिन बोला तो जाता है नीतीश कुमार सब सड़क साल लग गए हैं दोस्त पंद्रह सोलह साल लग गए हैं एक आधे किलोमीटर का चंक है ये कह रहा है कि ये पंचायत बनाएगा पंचायत कहेगा कि बी डी ओ बनाएगा बीडीओ कह रहा है एम पी का फंड आएगा पांच सौ मीटर की सड़क बट सर आप एक पब्लिक फिगर हैं आप इतने फेमस पर्सनालिटी आपको भी ये दिक्कत हो रही है वहां पर भाई सबको दिक्कत हो रही है पब्लिक फिगर वहां पे मैं वही तो बोल रहा हूँ वहां जाके भूतराज जाता है <laughs> मतलब इधर यू गेट इनटू दैट रट और हम लोग से चमचागिरी नहीं हो पाती है <laughs>

विलिंगनेस नहीं रख रहे हैं मुझे बताओ ना कि पिछले तीन साल चार साल पांच साल में वेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल रेवोल्यूशन और इतना कुछ हो रहा है मुझे बताओ ना कि इन चार पांच साल में बिहार से किस तरह की खबर तुमने सुनी होगी right. सिर्फ और सिर्फ कि हमारे मुख्यमंत्री इधर चले गए हमारे मुख्यमंत्री हाँ. इधर चले हमारे कुछ मुखे लोग मुखे अच्छा चले। काम करते हैं सर जो भी नए युवा युवाइटिंग इट सरकार के लेवल पे तो कुछ नहीं चीजें हो तीन धर्म की उत्पत्ति हुई है भाई उस राज्य से बुद्धिज्म सिखिज्म जैनिज्म द रिचेस्ट कम्युनिटीज ऑन दिस प्लेनेट एंड योर स्टेट इज द पुअरेस्ट टुडे अरेस्ट माई केस ब्रदर तीन धर्म की उत्पत्ति हुई है भाई सबसे अमीर है सिख जैन कितने अमीर हैं, बुद्धिस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड है आपका स्टेट सेंट्रल से अनुदान मांग रहा है you imagine? आपके बारे में इंटरनेट पर अगर आप देखने जाए आर्टिकल पढ़ने जाए तो कहा जाता है कि राजेश कुमार हुए बैंक करप्ट

मैंने चूज किया ना कि नहीं करूंगा बिकॉज आई थॉट दिस इज अगर पर्पज फॉर माई लाइफ इट इट विल ईल्ड मनी इट वॉन्ट ईल्ड मनी वॉज नॉट दी मोटिव एट दैट टाइम बट या डेफिनेटली आप कोई काम करते हैं तो आपके दिमाग में रहता है कि इसको सक्सेसफुल बनाए ताकि दूसरा आदमी इसको पकड़ सके बहुत सारे डिजास्टर्स हुए मुझे बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा दैट इज माई जर्नी बट आ गया उसमें लॉकडाउन आ गया जल गया था आपका सब, सब कुछ हाँ। हुआ टेक पार्ट हुआ तुम्हारा टेक टेक हाँ। ने तो हाँ। बर्बाद ही कर दिया मुझे उस लेवल पे मतलब तो आपका पैसा डूबा प्रश्न हाँ मेरा डूबा किसानों का तुम सोचो ना कि पांच छह महीना बेचारे नहीं कर पाए वो ट्रेडिंग because they were waiting for me to but say but वो लोग पे डिपेंडेंट थे सर फिर उस Absolutely. कैसे आप सिचुएशन कैसे हैंडल किया फिर वो सिचुएशन नो दे अंडरस्टूड दे ऑब्वियसली वो लोग अपने हिसाब से रास्ता तो निकालते mm -hmm. हैं मैंने बाहर-बाहर कहीं-कहीं कुछ-कुछ जो भी अपने तरफ से कंट्रीब्यूशन था मैं कर रहा था कि भाई अब यहां भेज दो यहां पे एक आदमी है वहां पे भेज दो आप पुणे में भेज दो आप अहमदाबाद में भेज दो इस तरह से बातें चल रही थी बट अल्टीमेटली हमने एक उनको एक उम्मीद दिखाई थी और मैं यहां पे लगा हुआ था कि आप उगाओ मैं बेचता हूं यही तो ट्रांजैक्शन था ना रहे, रहे, और रहे, रहे। मैं यहां पे कंज्यूमर एजुकेट करता रहूंगा सो so देट आपका उगाया हुआ ये लोग ज्यादा का है क्योंकि अभी मैं तुमको अपना लैब रिपोर्ट दिखाऊंगा मेरी छह सब्जियों का जितनी सब्जियां हैं अगर उसका परमिसेबल लिमिट थर्टी है फॉर एग्जाम्पल कॉपर का या लेड का या किसी का प्वाइंट फाइव होगा या किसी का फाइव मेरी सारी सब्जियों में केमिकल जीरो पॉइंट जीरो वन है और बाजार में के सब्जियों में कितना रहता है ये नॉर्मल अगर लीड मान ले कि तीस है तो वो अठारह पे होगा बीस पे होगा आपने जीरो है मेरे पास जीरो पॉइंट जीरो, जीरो. तो सर जब ये सारी चीज़ आप कर रहे थे चूंकि आपके अंदर का ऐसा तो नहीं था कि एक्टर को आप कंप्लीटली स्विच ऑफ कर दिए थे तो वो ही नहीं सकता था तो जो एक्टर्स के साथ जो आपके जो कलीग्स थे जिनके साथ आपने काम किया तो वो कभी फोन करके बोलते थे कि तुम क्या कर रहे हो क्यों अपना करियर पे तुम

यार बुरे टाइम में एक दूसरे को नहीं हो पाता इट्स अ वेरी इंडिविजुअल स्ट्रगल नहीं हो पाता है या नहीं करना चाहते नहीं करते हैं इट्स अ वेरी इंडिविजुअल स्ट्रगल दैट्स व्हाट आई एम सेइंग मतलब मैं अपना तो, ही बताता हूं तुम्हें तो, कि कोरोना के बाद जब ये सारी चीजें हुई और ये सब mm. डिजास्टर हुआ आई वांटेड टू गेट बैक टू एक्टिंग क्योंकि कहीं ना कहीं बिकॉज़ फंड अब खत्म हो चुका था एग्जॉस्ट mm. हो चुका था मैं तो ऑडिशन वॉडिशन देता था तो आधे चीजों में इसलिए नहीं होता था बिकॉज द सेट की सर पर अगेन वहां भी यही वर्ड परसेप्शन oh. कि रोसेज का परसेप्शन कैसे चेंज करें हाँ। oh. तब मैंने जिद में वजन बढ़ाया मैंने बाल मुड़वाया oh. मैंने कहा अब दोगे काम अब तो पहचान में नहीं आ रहा हूँ कि मैं रोसेज हूँ देन आई गॉट फोर फिल्म बैक टू बैक तीन तीन दिन के इंटरवल पर कौन कौन सी फिल्म ये हड्डी Hmm. नवाजुद्दीन नवाजुद्दीन so, के साथ okay. नवाजुद्दीन का दूसरी फिल्म राउतू की बेली अभी रिलीज होना okay. बाकी है आ, पंकज कपूर जी के साथ एक दिल्ली में किया है वो भी रिलीज पे है okay. एंड फैमिली तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया hmm. ये देन वेब सीरीज में तुम्हारा कोटा फैक्ट्री आया ये मेरी फैमिली hmm. आया hmm. आ, एक जो अभी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वो सो सडनली एवरीथिंग लुकिंग लाइक रोसेश सर अभी मतलब मानो या ना मानो लेकिन आपको स्टीडियो टाइप कर दिया गया था रोशेष के कैरेक्टर के लिए hmm. लेकिन ये कितनी आयरनी की बात है कि सारा भाई वर्सेज सारा भाई आ, का जो पहला सीजन था वो फ्लॉप माना जाता है राइट जब वो रिलीज हुआ था शुरू में सत्तर एपिसोड आया था फिर उसको बंद कर दिया गया क्योंकि बहुत ही खराब टी थी और फिर कुछ सालों के बाद इसकी कल्ट फॉलोइंग शुरू होती है आपको क्या लगता है कि जैसे एक चीज होता है ना कि इट्स अहेड ऑफ इट्स टाइम एक दूसरा ऑब्जर्वेशन जो मेरे को ऐसा लगता है आप करेक्ट सर कि शायद उस वक्त देश देश में जो चीजें चल रही थी हो रही थी ना कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड फैमिली थी सारा भाई की आ, शायद बहुत ही ऐसा था क्या कि मास ऑडियंस उस फैमिली से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था उस समय <coughs> One thing we कॉमेडी इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन सोसाइटी रिक्शे वाले का भी तो ह्यूमर है उससे तुम इतफाक रखते हो क्या तुम इतफाक रख पाओगे अब जब आपका सोशल अपग्रेडेशन भी हुआ है ना अब लोअर मिडिल क्लास मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास अब अपर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास में अब तीन लाइन है पहले तो बहुत तगड़ा जंप था ना तो अब तो हर कुछ हो गया अब तो घर भी आ गए सबके पास सबके पास पहले गाड़ी जो लग्जरी थी अब अब सारी चीजें तो देखो ना कि बढ़ा है तो अब समझ भी बढ़ गई है उस हिसाब से नहीं। नहीं। तो अब समझ में आने भी लगा है क्योंकि लगभग लगभग अब वो आपके फैमिली से रिलेट करने लगे हैं कि भले वो तरीका आपका इंग्लिश वे ऑफ यू नो है लेकिन बहू तो सबके घर में ही चलता है एक बेटा तो होता ही है क्योंकि मुझे तो लाखों लोग मिलते हैं यार जो बोलते हैं अरे मेरा मैंने तो अपने बेटे का नाम ही आप वो वो तो है, mm -hmm. वो तो है बिकम यू नो दैट कंपैरिजन उस समय नहीं था उस समय शायद हम नहीं नहीं कर पा रहे थे हमने नहीं देखा था रोसे को सीजन टू आपको लगता है कि जैसा

तो इस वजह से वहां पे भी रीच ज्यादा नहीं थी हो सकता है दस साल बाद ये भी कल्ट बन जाए you नेवर never know. नो, you never know. <laughs> वही तो मैं बोल रहा हूँ बीज लगा दो फिर देखिए सर ये भी कितनी मतलब क्या आयरनी है सर कि रोशेश के कैरेक्टर से पहले भी

कुसुम में में तो ओ। तो तो पे फिर लालू जी जी और जी से पहली मुलाकात हुई थी मेरी सारा सबको सबको बुला बुला ले लेते थे क्या क्या मतलब मैरिज तो यार उसके बारे में क्या ही बात कर। मतलब जो अभी वाला कुछ बताइए थोड़ा तो बताइए सर आप रिमेंबर कि जब स्टेज पे जा रहे थे तो पहले सीढ़ी पे वो पुराने एक्टर जो विश्वजीत थे वो खड़े थे सेकेंड पे मुलायम सिंह जी थे थर्ड पे बच्चन साहब थे फोर्थ पे सहारा जी थे एंड दे व्हेन यू वर गोइंग ऑन स्टेज मतलब आप वो चिमटी काटो कि आप थप्पड़ मारो एंड यू कुड नॉट बिलीव मतलब कौन नहीं था सो वो एक फेरी टेल मेरे लिए 2004 में बड़ा अच्छा सा हुआ था कुछ क्षण का राइट सर हम आपके जर्नी के स्टार्ट की बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा पहले जाऊंगा जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी लेट 90s में उस समय एक यंग राजेश कुमार के दिमाग में ये आइडिया कैसा है कि मुंबई चलते हैं एक्टिंग करते हैं

ऐसा you know, right, right, right. Mm -hmm. so हम सोचे नहीं थे कि एक्टर बनना था ग्रेजुएशन खत्म हुआ था मेरी सिस्टर उस समय यहाँ ग्रेजुएशन कहाँ से किया हिंदू कॉलेज से दिल्ली तो वो खत्म हुआ था एम ए का एडमिशन के लिए बैठे हुए थे एंड माई जीजा जी कॉल्ड अप हैड शिफ्ट टू बॉम्बे एट दैट टाइम तो सिस्टर प्रेग्नेंट थी तो ये हुआ था कि डिलीवरी के लिए दो तीन महीना है समय मैं ऑफिस चला जाता हूँ तो तुम हमारा एग्जाम खत्म हुआ तो तुम आ जाओ रह लो तो मैंने कहा ठीक है मैं भी खाली हूँ यहाँ वहाँ पटना जाने से अच्छा था दिल्ली में बेकार बैठे रहने से अच्छा मैंने तो चलो आप लोग पटना में रह रहे थे समय हाँ उस समय अच्छा। पटना में थे तो फिर बॉम्बे वही देख करने आया था दो तीन महीने फिर वो डिलीवरी वगैरह का टाइम हुआ उसमें मैं कंफ्यूज हुआ कि मैं एमए में एडमिशन ले लिया मैं एमए करूं कि सिविल सर्विसेज नहीं करना है अच्छा आपको बनना था था मतलब ये था कि हिस्ट्री ऑनर्स हो तो और क्या करोगे पिताजी क्या चाहते तो, थे क्या बनाना आपको डेफिनेटली सिविल सर्वेंट बट ही वॉज ऑलवेज ओपन कि जो करना मतलब पापा आप करते क्या थे आपके पापा यार कुछ नहीं करते थे फिर 40 के बाद रिटायरमेंट ले लिया कुछ नहीं करने से नो 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 ही डिड हिज ढंग से क्योंकि बिहारी पिताल, अगर ये गया हुआ था बोल बोल के तक गया कि बेटा का पहला फिल्म थिएटर में लगाया जाके देख लीजिए नहीं देखे ना खुद देखे ना किसी को दिखाया लगा हुआ नो नो मतलब ठेकेदारी हाँ. मतलब फलाना अच्छा, ये सब तरफ होता है, हाँ हा, थोड़ा दो किसी तरह कैलकुलेट करके दो प्रॉपर्टी जिससे रेंटल शुरू हो गया तो वहां पे बीस हजार पचीस हजार रुपया पर मंथ इज गुड एनफर राइट आफ्टर दैट हीस बनाना की उम्र में वो आदमी मुझसे ज्यादा एक्टिव है खेतों में आज वो मतलब चौदह एकड़ को जो सहजन की खेती की सहजन है, भी की खेती हटा दिया है उनको तो उस लेवल पे फ्रूट नहीं मिला तो अच्छा। अभी आम अमरूद कटहल नींबू शेडनेट खड़ा कर दिए हैं आधा एकड़ में कैश क्रॉप कर रहे हैं बेबी कॉर्न उगा रहे हैं स्वीट कॉर्न उगा रहे हैं मतलब इज जस्ट गॉन फुल थ्रॉटल इन इज लाइफ कि अभी दिखाता हूँ मैं कैसे होते खेल रहा है मोटरसाइकिल पे बिल्कुल बिल्कुल तो, तो वहां से फिर अच्छा। आप बम्बे पे थे कि कि तो तो हाँ। आ गए तो फिर वही हुआ कि वो दो तीन महीना तो बोर हो रहे थे शाम को। एक लड़के का एक एक दिख तो गया गली में तो मैंने कहा आप तो वही हो जिसका प्ले तो वो मुझे नहीं पहचानता था डेफिनेटली मैं पहचानता था तो फिर मैंने कहा रेफरेंस निकाला एंड देन आई सेड कि यार यहाँ पे शाम को अगर कुछ होता हो प्ले ले ना तो इफ आई कैन गो एंड वॉच इट तो ही सेट कि मैंने ही एक प्ले लिखा है जिसकी रिहर्सल अभी चल रही है अच्छा तो अगर होता है तो तुम जाओ बैठो सो so, मैं भवनस रोज रिहर्सल के लिए जाता था सिर्फ बैठने के लिए आँगा। मतलब जस्ट टू टाइम पास तब तक भी एक्टर नहीं बनना था एक दिन एक एक्टर नहीं आया और इन लोगों ने मुझसे देखा और बोला कि प्रॉक्सी करोगे क्या मैंने कहा कर दूंगा बदले में मैं हूं, तो तो मैं तो खड़े हाँ, हाँ, आज तुम नहीं हो हम लोग में काफी चलता था कि करना है तो यहाँ पे भी वही प्रॉक्सी मतलब वही तुमको मेरी जगह कोई और वो करने लगे मुझे तब तक एक महीना हो चुका था तो पूरा डायलॉग ही याद था तो मैंने बोला कि नहीं आई डोंट नीड स्क्रिप्ट मैं ऐसे ही कर देता हूँ वो मैंने किया उन लोगों ने बोला यार ये रोल तुम कर लो उसको कुछ और रोल दे देंगे तो मैंने बोला यार उसके लिए तो रुकना पड़ेगा बॉम्बे बोला हाँ, रुकना पड़ेगा तो मैं देखा कि यहाँ पे जगह तो है खाने पीने का भी स्ट्रेस नहीं है नहीं। तो ये प्ले के लिए रह जाता हूँ एम का तो देखा जाएगा जब एग्जाम होगा तब जाएंगे फिर उसी समय लगा कि यार मास कम्युनिकेशन ही शायद एक रास्ता है जहा आप जा सकते हैं तो जामिया तो हो नहीं सकता था उतने पढ़े उतने बुद्धिमान नहीं थे कि जामिया हुँ। हुँ। में क्लियर कर लें कितना आया लेना देहरादून से पढ़ाई किया बोर्ड था क्या बोर्डिंग स्कूल बोर्डिंग स्कूल हम शुरू सेवन से बोर्डिंग वो फिर मास कम्युनिकेशन का था उस समय कुछ शो मिला वो एक दिन का काम पहला काम, काम क्या था आपका सर आ, स्टार बेस्टसेलर पे एक क्या करके स्टोरी थी स्टार बेस्टसेलर जिसमें तिगमांसु दोलिया और सब, सब 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 थे, हाँ तो उस थे। समय वो राजेश्वरी सचदेव रजत कपूर एंड हाँ, ईशान त्रिवेदी डायरेक्ट कर रहे थे और मेरे कॉलेज के ही एक सीनियर थे वो लिख रहे थे तो उन्होंने बोला था एक सीन का रोल है वो करेगा तो मैंने पूछा पैसे मिलेंगे उन्होंने बोला हजार रुपया मिलेगा अच्छा और उसी दिन मेरा जेवियर्स का डिप्लोमा का वो मास कम्युनिकेशन का शाम को इंटरव्यू था आई सेट इधर आई गो फॉर एक्टिंग और आई गो फॉर दिस क्योंकि इसके बाद तो फिर सीधा एक साल का गैप तो यहाँ हजार रुपये यहाँ मेरे पच्चीस हजार देना पड़ेगा यहाँ हजार मिलेगा पोर्टफोलियो so हाँ। तो तो नहीं, नहीं बनाया आज तक अच्छा आज तक कोई स्टूडियो में अपना पोर्टफोलियो नहीं बनवाया कोई फोटो कुछ तो कोई नहीं। फोटो शूट नहीं दो फोटो शूट करवाए थे स्टूडियो 90 करके एक जगह है जुहू में उसी के पीछे सारा रहता था वही फोटो चला फिर कितना still, में हुआ था, वो, वो में में कुछ हुआ सर इस इस जर्नी में आपने फिल्म की मूवीज की और अभी हाल फिलहाल में आपने टी शोज भी किए अपने कोटा फैक्ट्री किया और अभी रिसेंटली रिलीज हुई सर क्या डिफरेंस आपको लगा ओ टी टी के काम में

कम भी होते हैं ज्यादा भी होते हैं या गलत भी होते हैं सही भी होते हैं एक्टिंग अच्छी भी होती है बुरी भी होती है तो एटलीस्ट यू हैव डेज टू कवर हियर यू डू नॉट हैव हैव यू यू जस्ट मोमेंट्स सो अगेन इट्स स्पिरिचुअलिटी नो द मोमेंट इफ यू नो यूर हियर इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है इसके पहले कुछ नहीं था इसके आगे कुछ नहीं है यही क्षण है जो है मुश्किल होता है सर क्योंकि जैसे टीवी में हम बात करें कि टीवी में आपके पास दस एपिसोड्स रहते हैं सेटअप में hmm. तो तब तक आप अपने कोअरटर्स को जान जाते हैं पहचान जाते हैं। एक्सेक्टली यहाँ पे तुम्हारे पास समय कट्ट, कट्ट नहीं है। कटीडी में आप आते ही पहले दिन से ही आपको शो स्टार्ट कर देना है। सो सो बट बैकएंड में प्रिपरेशन टाइम ज़्यादा है ना तीन महीने चार महीने आप रीडिंग कर रहे हैं एक दूसरे से मिल रहे हैं। जो आप फ्लोर पे टेलीविजन में करते हैं वो आप काम पहले सारा भाई सर वीकली था ना वीक में एक बार आता था राइट वीकली था तो उस समय है सर बहुत हम लोग पेपर न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते थे और तो लोगों से भी सुनते थे कि यार टीवी में काम करना बहुत टफ है टीवी में पैसा तो बहुत है लेकिन काम करना बहुत टफ है क्योंकि 17 17 18 18 घंटे का शिफ्ट होता है ये सब तो कुछ ऐसा क्योंकि आप सारा भाई के अलावा भी बहुत जगह आपने काम किया तो कभी आपको ऐसा लगा कि ये सब चीजें सही होनी चाहिए की मतलब okay. था यार। कुछ अगर अगर आप शेयर कर कुछ क्या उस समय टेलीकास्ट के इशूज होते थे रात को नौ बजे का टेलीकास्ट है दोपहर के दो ढाई बजे तक तो शूट कर रहे होते

हाँ जो अच्छा खेलता है उसके साथ नहीं नॉट दैट आई लव दैट कंपटीशन का जो लेवल है ना आर आर का और एस आर एच का इन लोगों ने इन लोगों ने पलटा है यार सो यू हैव टू बी विद द स्पिरिट ऑफ द गेम नॉट सम पर्टिकुलर टीम फैन हो धोनी आई डू यार मतलब धोनी ना मुझे बहुत वो एक्चुअली स्पिरिचुअल बंदा है है धोनी यार जैसे सदगुरु एक बड़ा अच्छा बताते हैं ना कि लोग राम भगवान की पूजा क्यों करते हैं हमारे यहां धर्म में अ मैन हुज लाइफ वाज फुल ऑफ डिजास्टर कि भाई आप पहले तो गुरुकुल गए गुरुकुल से आए अचानक शादी हुई शादी का अचानक वनवास चले गए वहां सीता मैया किडनैप हो गई फिर आप रावण के साथ लड़ने गए फिर वापस आए फिर लोगों ने सीता मैया पे अंकुश mm. उठाया फिर आपने जंगल भेजा mm. फिर आप एक पॉइंट पे लवकुश में एक को मारने ही वाले right, थे अ मैन लाइफ फुल ऑफ डिजास्टर एंड वी वर्शिप वाई बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द मैन कि इस सबके बीच में उस आदमी वो कभी गुस्सा नहीं हुआ उसने अगर रावण को मारा भी तो वो एक साल हिमालय में जाकर के उन्होंने तपस्या की आज फॉर फॉर गिवनेस

मैंने कहा <laughs> so, दिखता है with luggage, luggage. आपको लगता है सर एक है सर एक छक्के ने ने जिताया जिताया को पूरी टीम क्योंकि इंटरनेट ये बहुत चलते रहता है सर अभी अरे ये का क्या करोगे यार कि <laughs> <laughs> कि स्कोर, स्कोर हाँ। तो सौ के ऊपर ही था ना हाँ। तो सिर्फ नंबर जुड़ा है आप खेलते हैं क्रिकेट हमको दुनिया खेलने में सबसे बोरिंग गेम लगता है क्रिकेट खेलने में खास करके बाउंड्री पे खड़ा कर दिया और जो बैट्समैन आया उसने मारा ही नहीं उस तरफ बोर हो जाता था था तो खड़े-खड़े यार है तो अच्छा बास्केटबॉल तो... तो बास्केट से कुछ कुछ होता है याद आता है और फिर करण जौहर याद आते हैं है सर उसमें भी ईयर टू में भी था वो और जो? ये उसी समय की हाँ। बात है जब ये अखबार में आया था कि मैंने ये, एक्टिंग हाँ। छोड़ दी और ये एक कर रहा। रिपोर्ट की बात अभी ऑफ़ द ईयर का मेंशन हुआ तो मुझे एक रिपोर्ट याद आई हाँ। इसमें कितनी सच्चाई है कि उसमें ये आया था कि राजेश कुमार ने पंद्रह सोलह दिन स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग कर ली और शूटिंग के बाद उनके रोल पे कैंची चल गई

जो है जो है अब तेरी बातों में ऐसा उलझा जी mm -hmm. right. है वाज अ गुड मूवी पीपल लाइकड इट उसमें उसमें तो एक भी सीन नहीं कटा उसमें तो रहा ही उल्टा mm -hmm -hmm. तो आयल अब जो है जो है right. हड्डी में काफी सीन्स रह गए कुछ लोगों को अच्छी लगी कुछ लोगों को नहीं लगी mm -hmm. अब ये दो फिल्में हैं इसके अब कुछ बता सकते हो आप फिल्मों का जो अभी आने वाला है अगर राउत की बेली एक है नवाजी के साथ है इट्स मिस्ट्री ओके ओटीटी रिलीज है यार वो अभी चल रहा है okay, जी स्टूडियो आजकल ये भी, के भी बहुत लफड़ा हो जाता है ना कि फिल्म कहाँ आने वाली पता ही नहीं चलता लॉट ऑफ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ना तुमको पैसा फिल्म पिक्चर हॉल में चलाने के बाद वो रिकवर करेगी नहीं करेगी बहुत, बहुत सारी चीजें हैं यार बहुत बहुत दाव पे बहुत पैसे लगते हैं भाई राइट 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 ये नहीं है। सर हम लोग होप करते हैं सर कि इस पॉडकास्ट में इतनी बातें हम लोग किए हैं तो थैंक यू सो मच सर थैंक यू बाबू थैंक यू बहुत अच्छा लगा अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर डिजिटल कमेंट्री बहुत अच्छी अच्छी बातें होती है यहाँ पे कुछ अलग